हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त राहुल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीवो Y93 मॉडल के बारे में, जिसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है। तो इसको हम किस तरह से विदाउट पीसी अनलॉक करेंगे, आज हम वही इस वीडियो पे कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता दूं कि इससे पहले भी सेम यही मॉडल मेरे पास आया था और मैंने उसको विदाउट पीसी से कई बार प्रैक्टिकल किया है उसको अनलॉक करने का, लेकिन वो नहीं हो पाया है। तो एक सेम वही मॉडल आज फिर मेरे पास आया है, तो क्यों ना मैंने सोचा कि चलो इसका वीडियो बनाते हैं। तो अब हम वीडियो बनाते हैं और अपने स्टूडेंट्स और आप सभी को दिखाते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं वीवो Y93 FRP अनलॉक या पैटर्न अनलॉक जो भी है, तो उस पर आपको दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जो भी टॉप पे वीडियो आती हैं, ज़रूरी ये नहीं है कि वो सारी वीडियो सही हो। तो लाइव प्रैक्टिकल आज हम आप लोगों के सामने करके दिखाएंगे, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और एक एक स्टेप को देखिए और आप समझिए कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारा वीवो Y93 मॉडल है। तो मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ, ये पीछे देख लीजिए और आगे ये देखिए। मैंने इस पर पहले से कई बार रॉन्ग पैटर्न डाला है, तो अभी ये इसमें फॉरगेट का टाइमर चल रहा है और ये तो हो नहीं पाएगा। ये देखिए 620 सेकंड हो चुका है। अभी 620 सेकंड के बाद ये सेट वापस से हमें पासवर्ड डालने का ऑप्शन देगा। और इसकी बैटरी देख लीजिए, 3% है। तो मैं सबसे पहले इसको चार्जिंग पर लगा लेता हूँ, नहीं तो फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, तो इस पर हम कोई भी काम कर नहीं पाएंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको चार्जिंग पर लगा दिया है। और अब इसको हम एक बार फिर से दिखा देते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें इसको स्विच ऑफ करना होगा, तो उसके लिए हम इसको प्रॉपर स्विच ऑफ करेंगे पावर बटन से। तो मैं पहले बता देता हूँ, इस फ़ोन की थोड़ी सी पावर बटन ख़राब है, तो वो थोड़ा हल्का टाइम से काम करती है, तो वो आप देख लीजिएगा। और मैं इसको अभी स्विच ऑफ करता हूँ। ये देखिए, इसमें पावर ऑफ का ऑप्शन आ चुका है। अब ये मैंने इसको प्रॉपरली स्विच ऑफ कर दिया है। अभी हम स्विच ऑफ होने का वेट करेंगे और इसके बाद हम इसकी पावर की और वॉल्यूम की प्लस, यानी कि वॉल्यूम प्लस की को हम एक साथ होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए। और जैसे इसके वीवो का लोगो आएगा, हम पावर बटन को छोड़ देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें बहुत जल्दी एक साथ ही ओपन हो जाता है, तो ये ओपन हो चुका है। और ये देखिए, इस पर नीचे रिकवरी मोड है, तो हम इसे टैप करते हैं। यहाँ से नहीं हो रहा, तो हम वॉल्यूम डाउन की से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद पावर बटन से ओके कर देंगे। ये यहाँ पे इसके सारे ऑप्शन खुलेंगे अब इसके बाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसके सारे ऑप्शन खुल चुके हैं। और ये देखिए, नीचे लिखा है वाइप डेटा दूसरे नंबर पे, तो हम इसी वाइप डेटा पे जाएंगे। और वाइप डेटा पे जाने के बाद हम ओके करेंगे पावर बटन से, और नीचे वाइप डेटा लिखा है वहाँ पे हम जाएंगे। और अब हम इसको यहाँ से सीधा वाइप डेटा कर देंगे पावर बटन की मदद से। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी ये पासवर्ड मांग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये वैसे पासवर्ड खुलेगा नहीं। मैं रैंडमली इस पर और एक दो कोई पासवर्ड ट्राई कर लेता हूँ, वैसे तो इस पर कोई लग ही नहीं रहा है। मैंने पहले से भी कई बार ट्राई कर रखा है, तो अब हम इसे कैंसिल करेंगे, बैक करेंगे। और ये इस पर लिखा है पावर डाउन, तो हम इसे पावर डाउन कर देंगे, यानी कि स्विच ऑफ। दोस्तों, ये देख सकते हैं, फ़ोन हमारा प्रॉपर स्विच ऑफ हो चुका है, बैटरी का लोगो भी आ चुका है चार्जिंग का। अब हम इसे वॉल्यूम प्लस और पावर बटन को एक साथ होल्ड करेंगे, और ये हमारा नंबर 1 सेक्शन है। तो मैं वापस से गया रिकवरी मोड पे, और इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे वाइप डेटा वाले ऑप्शन पे। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा ओपन हो जाने देते हैं। ये दोस्तों, हमारा सेट ओपन हो चुका है, और ये देखिए लिखा है वाइप डेटा। हम वाइप डेटा पे जाएंगे और ऊपर लिखा है वाइप कैच पार्टीशन, हम वहाँ पे जाके सेलेक्ट करके उसे ओके कर देंगे। और ये जैसे ही ओके होगा, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नीचे लिख गया है वाइप कैच सक्सेसफुली। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इसे बैक करेंगे। और ये दोस्तों रिबूट सिस्टम लिखा है, तो हम वॉल्यूम प्लस की और रिबूट सिस्टम पर एक साथ ही टैप करेंगे, जिससे हमारा सेट दोबारा वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा और रिकवरी मोड में तुरंत ही चला जाएगा। नहीं तो हमें पावर डाउन करने के बाद फिर वही करना होता है। तो इस प्रोसेस को दोस्तों हम कम से कम 4 से 5 बार करने वाले हैं। तो तब तक हम वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को भी ज़्यादा लंबा वीडियो खिंच जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोसेस हमें बस उतना ही फॉलो करना है। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रखा है और वॉइस ओवर इस पर मैं बाद में कर रहा हूँ। और ये उसका तीसरा अटैम्प्ट है, ये इसका तीसरा अटैम्प्ट भी देख लेते हैं। और इसके बाद हम इस पर चौथा और पांचवा भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। तो चलिए मैं इसे ओके कर देता हूँ।
और रिवर्स सिस्टम पे जाके एक बार वॉल्यूम प्लस की सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद चौथा बार भी हम इसे ऐसे ही करेंगे, और जब ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम पांचवी बार भी करेंगे, क्योंकि इस तरह से यूट्यूब पे मैंने खुद से रिसर्च किया है और वहाँ पे जो सबसे टॉप पर वीडियो आती हैं उन पे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ और जो भी लाइक्स हैं अच्छे हैं, लेकिन कोई भी ट्रिक जब वर्क ही नहीं करती है तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी चीज़ों को लाइक ही क्यों करते हैं जिस पर प्रॉपर आपको गाइडेंस दिया ही नहीं जाता है। वो वीडियो किस तरह से शूट किया जाता है आई डोंट नो, बट योर टाइम इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए मैं बस ये चाहता हूँ कि आपका टाइम बचा रहे। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये प्रॉपर वॉइस ही आ चुका है, अभी भी ये हमारा कुछ नहीं हुआ है। तो अब हम फिर से इसे एक बार स्विच ऑफ करेंगे, और स्विच ऑफ करने के बाद देखेंगे इसे एक बार। देखिए दोस्तों, इसकी पावर बटन मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा सा कम काम कर रही है, तो अब इसे हम स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारा लोगो आ चुका है और ये हमारा सेट स्विच ऑफ हो चुका है प्रॉपरली। अब हम एक बार फिर से इसे वॉल्यूम प्लस और इस बटन की सहायता से हम इसे ऊपर करेंगे, और अब जाएंगे वाइप डेटा पे और वाइप डेटा को अब फिर भी देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ये ट्रिक कोई भी वर्क नहीं कर रही है, जबकि आपको यूट्यूब पे जितने वीडियो मिलेंगे सारे इसी प्रोसेस के मिलेंगे, और जब आप उसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप उनसे पासवर्ड अलग कर ही नहीं पाएंगे, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो बस मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि आपको लाइव प्रैक्टिकल सबके सामने करके दिखाया जाए ताकि आप लोग उसे प्रॉपरली देखें। अब दोस्तों, इसे एक बार हम फिर से वाइप कैच पार्टीशन कर देंगे, हो सकता है कि ये एक बार वाइप डेटा करने के बाद फिर से वाइप कैच पार्टीशन करना पड़े, और ये हमारा आखिरी चांस होगा। ये देखिए दोस्तों, अभी भी इस पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, हम इसे कितनी भी बार वाइप कैच पार्टीशन कर लें इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, जबकि इसका एक बार ये देखिए हर जगह पे दोस्तों ये पासवर्ड ही मांग रहा है, लेकिन यूट्यूब पे जितने भी वीडियो मिलेंगे इसमें किसी में भी पासवर्ड नहीं मांगेगा। पता नहीं उन लोगों ने वीडियो किस तरह से शूट किया है, हमें तो पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, हर चीज़ का लाइव प्रैक्टिकल यहाँ पर दिया जाता है। और अगर आप लोग अभी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग से कुछ इंटरेस्ट है आपका, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह की चिप लेवल रिपेयरिंग सिखाई जाती है। तो दोस्तों, मैं इसको देख लीजिए, अब मैं बार बार कर रहा हूँ, कुछ भी इस पर हो ही नहीं रहा है। तो बस दोस्तों, यही मैं बताना चाहता था कि आप लोग अपना समय इस तरह की वीडियो देख के बर्बाद ना करें। अगर आपने इस वीडियो को प्रॉपर पूरा एंड तक देखा है तो यकीनन आप अब आगे से ऐसी कोई वीडियो नहीं सर्च करेंगे, और आपको जब भी पासवर्ड अनलॉक करना होगा आप तुरंत पीसी की मदद लेंगे, और पीसी और डोंगल से, यूएमटी डोंगल से जो भी आपके पास टूल्स होगा आप उससे उसे इजीली अनलॉक कर पाएंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।